हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उनकी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि हम हर एक क्वेश्चन को 3 सेकेंड के अंदर अंदर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए जिनमें हम सिखाएंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग का 3 सेकंड के अंदर कैसे कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पूछा है √2, √3 और √4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि पहले इनके ऊपर लगी रूट का मतलब क्या होता है। खाली अगर रूट लिखा है इसका मतलब होता है पावर 1/2 है। अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब होता है पावर 1/3 है, और ये 4 लिखा है तो मतलब है पावर 1/4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर 1/2 है, ये 3 की पावर 1/3 है और ये 4 की पावर 1/4 है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आपसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछी हो तो आप लोगों को जो इनकी पावर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम निकाल लेना है। तो वो कैसे निकलता है हम देखते हैं कि 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, तो इसको हम 12 बनाएंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बनेगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर 6 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 की पावर 1/12 और 4 की पावर 3 की पावर 1/12 बन जाएगा। अगर वो हमारी सेम होती है, जैसे यहाँ 1/12 है, यहाँ भी 1/12 है और यहाँ भी 1/12 है, अगर तीनों में सेम हो जाएगी तो अब अंदर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जिसमें वैल्यू छोटी होगी वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो 2 की पावर 6, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 होता है, तो ये 64 की पावर 1/12, 3 × 3 = 29 × 3 = 81 की पावर 1/12 और 4 × 16 = 64 की पावर 1/12 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 81 की पावर 1/12, जिससे हमें पता चलता है √3 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू बराबर है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन वैल्यू बड़ी आएगी और कौन वैल्यू छोटी होगी। अब इसमें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में भी आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी हम सारी संख्या निकाल के कर सकते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमें दिख रहा है कि 3 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 है और 4 की पावर 1/3 है। अब हम देखें यहाँ 2, 3, 2, 3 तो 2 और 3 का अगर हम लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब इन सबको 6 बनाना है। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करना है तो 3 पावर हो जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 पावर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ 3 की पावर 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 2 की पावर 1/3, ये 1/6 हो जाएगा, माफ़ कीजिए, ये भी 1/6 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 की पावर 1/6 और 4 की पावर 2 की पावर 1/6 बन जाए। तो ये है 27, ये है 4, ये है 8, ये है 16। बस इतना आपको देखना है क्योंकि सबकी पावर सेम है 1/6, तो उसको देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली संख्या जो है वो इनमें सबसे बड़ी है, तो √3 हमारा यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ देखिए, फर्स्ट वाली वैल्यू में 2 की पावर 1/3 है,
तीन की पावर 1/2 है और 5 की पावर 1/6 है। 2, 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, इसका मतलब इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 ही पावर, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 की पावर, और वो 6 है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2 की पावर 2 होता है 4, 4 की पावर 1/6, 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 की पावर 1/6, और यहाँ 5 की पावर 1/6। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी ये है, तो √3 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं जब भी हमें रूट में कोई भी संख्या, कितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, उनमें बड़ी या छोटी संख्या पता करना है, तो ये हमारा तरीका होता है। इस तरीके से हम उनको पता करते हैं कि इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, देखने में बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन हमें उसे सोल्व कैसे करना होता है। अब हमारे पास 6 की पावर 20 है, इसका मतलब है कि 6 को 20 बार 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 40, तो 4 को 4 से 40 बार मल्टीप्लाई करना है। इस तरह की क्वेश्चंस में अब आप इतनी बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है, एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ 20, 40, 30 और 20 में हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सब के सब 10 के गुणांक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर 2, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 डिसाइड कर देगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, क्योंकि जो ये 10 के गुणांक में है वो पावर में लिखे जाएंगे, की पावर 10, की पावर 10, की पावर 10 और की पावर 10। सब की पावर 10 है तो उसको हम नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 6 की पावर 2 होता है 36, 4 चौक 16, चौके 64, चौके 256, 5 पंजे 25, पंजे 125, 7 सत्ते 49। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये आई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं में 4 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से हमें देखना है। अब यहाँ 10 का गुणांक था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो 100 का गुणांक है, तो भी हम बाकी जीरो को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो सब में सेम रहेगा। तो 2 × 4 × 8, 2 × 4, 7 की 1 पावर 7, तो इतनी सी उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या इनमें सबसे बड़ी है। इस तरीके से आप जब भी वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे निकाल पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को 3 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है, आपको बोला है 7 + 2√10, एक संख्या ये है और इसका भी आपको रूट करना है। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए निकालना, लेकिन मैंने आपको उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। जो सबसे लास्ट में आपके रूट के नीचे वैल्यू है, जैसे यहाँ 10 है, तो उसके ऐसे फैक्टर करें जिससे कि 7 आ जाए, जोड़ के या माइनस करके। तो अब हमने देखा कि इसके 2 रूट बन रहे, 2 × 10 और 2 और 5 का योग 7 होता है। तो इन 2 और 5 को हम लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ रूट, यहाँ रूट, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका वर्गमूल √2 + √5 या फिर √5 + √2 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है इन इसके जो फैक्टर करेंगे 10 के, उनसे जोड़ के या माइनस करके 7 आना चाहिए। अगर हम ऐसे लें कि 10 × 10, तो इन दोनों का योग और अंतर 7 नहीं आ रहा है, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते, सिर्फ ये ही फैक्टर ले सकते हैं। और जो फैक्टर होगा सिर्फ वही आंसर होगा, रूट में आपको लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, आपको एक जैसा आधार देगा, 3, 3, 3, 3, यहाँ 3 की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन उनकी पावर एक बढ़ते क्रम में होगी, जैसे 11, 12, 13, 14, बढ़ते क्रम में भी नहीं होगी तो ज़्यादा जिस भी क्रम में होगी उसी हिसाब से हम ले लेंगे। अब आपसे पूछेगा कि इस पूरी संख्या को हम किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, दी गई संख्या से, 7 से 8, 11, 14। उसके लिए आप लोगों को क्या ट्रिक लगानी है कि जो पहली वैल्यू है 3 की पावर 11, इसको कॉमन लेना है तो अंदर 1 बचेगा, 3 की पावर 11 इसमें से जाएगी तो 3 की पावर 1 बचेगी, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, और 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा। ऐसे करके हम वैल्यूज़ ले लेंगे। इसके बाद 3 की पावर 11 को ऐसे ही रखेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। 3 की पावर 3 होता है 27, +3 = 9, +3 + 1, तो ये सारा बनेगा आपका 27 × 36 × 39 × 41। 3 की पावर 11 × 40, अब हम ऊपर ऑप्शन में से देखेंगे तो सिर्फ 8 से डिवाइड होता है, तो 8 × 40,
और बाकी संख्याओं से डिवाइड नहीं होता है, तो दी गई संख्या जो है वो 8 से विभाजित है, तो हम इसमें 8 को टिक करेंगे और आगे जाएंगे। अब अगर हम इसको कॉमन नहीं लेना है, जब हम इसको करेंगे, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे कि पावर 11 हम अलग रखेंगे, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक पावर रहेगा तो 3 की पावर 1 3 रहेगा, यहाँ 3 की पावर 2 रहेगा तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 रहेगा तो ये 27 हो जाएगा। 27 9 36 और 4 40 होता है। अब हम देखेंगे ये 40 दी गई संख्याओं में से किससे डिवाइड होता है, तो वो होता है 8 से, तो 8 5 40। इस तरीके से आप टिक करेंगे आंसर को और आगे निकल जाएंगे। इतना सा आपका आंसर होगा, इतनी सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो मैंने आज सिखाया, आपने देखा कि आप 3 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पढ़ने में असमर्थ है कोचिंग करने में, तो उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ताकि वो फ्री में इन चीज़ों का लाभ उठा सके और 3 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन को करने की ट्रिक सीख पाएँ, ताकि वो मैथ्स से डरना भूल जाएँ और मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को 3 सेकंड में करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई ट्रिक्स के साथ, जिसमें हम देखेंगे 3 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। थैंक यू।